हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं पुरानी टी शर्ट से एक क्यूट सा टेडी बियर। जब टी शर्ट फट जाती है या पुरानी हो जाती है तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसे बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट का यूज करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए टेडी बियर का ड्राफ्ट। तो देखिए, ड्राफ्ट काटना ना बहुत ही इजी है। आप किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर ना टेडी बियर की ड्राइंग कीजिए और फिर उसे कट कर लीजिए। या तो एक साथ कट कर लीजिए या फिर इस तरह से अलग अलग पीस भी कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो ना अलग अलग पीस कट किए हैं। अगर आप ड्राइंग करना नहीं जानते हैं तो अपने बच्चों से ड्राइंग करवा लीजिए किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर और फिर उसे कट कर लीजिए। जैसे कि ये दो कान हो जाएंगे और ये दो हाथ जो पेट वाली साइड लगेंगे, इधर की साइड और एक इधर वाली साइड, थोड़ा सा गैप देते हुए जो ज्वाइंट है। उसके बाद दो पैर जो नीचे वाली साइड हमें इधर सिलने हैं, ये थोड़े से साइज में बड़े रहेंगे हाथ वाले साइज से। अब सारे ड्राफ्ट के पीस हमें रखने हैं टी शर्ट के ऊपर, और टी शर्ट को हमने डबल ही रखा है, सिंगल नहीं किया है, क्योंकि हमें ना कपड़े के पीस चाहिए दो। तो इस तरह से रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। सारे पीस हमें डबल डबल चाहिए, सिर्फ कान को छोड़कर इनका हमें चाहिए एक एक पीस। इनका ना एक रेड कलर का लगाएंगे हम अगले वाली साइड, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी वीडियो में। पहले निशान लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम करेंगे इनको कट। तो ये दो दो पीस चाहिए हमें हर ड्राफ्ट के, और ये ड्राफ्ट हम संभाल कर रख लेंगे क्योंकि कभी भी बनाने की जरूरत पड़ेगी तो ये फिर हमारा काम आ जाएगा। इस तरह से अब सारे पीस कट कर लेंगे। मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट का यूज कर रही हूँ। आप चाहे कोई भी कलर की टी शर्ट ले सकते हैं, या फिर जो स्वेटर होते हैं ना फेदर वाली ऊन के, उनका भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे टेडी बियर बन जाते हैं उनसे। तो ये देखिए, सारे पीस हमने कट कर लिए हैं, इन्हें रखते हैं साइड में। अब जो सिर वाली साइड है उसे हमें सीलना है इधर से लेकर इधर तक, और गर्दन वाली साइड इधर से ओपन रखनी है बिना सिली, ताकि इसमें फाइबर या कॉटन भर सके इधर से। इसी तरह से पेट वाली साइड सीलनी है, और जितने भी पीस है ना वो दो दो पीस इसी तरह से हमें सील कर सारे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, सारे पीस हमने सील लिए हैं। और जो कान वाली साइड है वो हमने एक साइड रेड कलर का कपड़ा लगाया है, और ये रेड कलर का कपड़ा हम रखेंगे सीधी साइड में। अब एक एक करके इन्हें सीधा कर लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी सिलाई लगाते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग में डबल और ट्रिपल सिलाई लगानी है, ताकि इसे हम जब सीलें ना, सीधा करें और सीलें, इसके अंदर फाइबर भरें, तो वो सिलाई निकलनी नहीं चाहिए। इस तरह से सारे पीस हमने सीधे करके तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर भर देंगे फाइबर या कॉटन। अगर फाइबर या कॉटन नहीं है आपके पास में, तो कोई भी फटे पुराने कपड़े, उनकी छोटी छोटी कतरन कर लीजिए और फिर भर दीजिए। या फिर जो फॉर्म सीट आती है ना कपड़े की पैकिंग के बीच में, उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, वो भी भर जाती है और फाइबर का ही काम करती है एक तरह से। इस तरह से भर लेंगे, और जितनी भी जरूरत हमें पड़ेगी बाद में भर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें इनको सीलना है आपस में, और सीलना किस तरह से वो देखिए। ये मुंह वाली साइड है, तो जो सिलाई है ना जहाँ पर, उधर से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है सीलना इधर से, और इधर वाला पार्ट भी हमें सिलाई की लाइन वाला ही लेना है। मतलब कि जो सिलाई वाली लाइन है वो मिल जानी चाहिए आपस में, आड़ा तिरछा नहीं सीलना है बिल्कुल भी। और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमें लेना है दोनों साइड का, और इस तरह से सीलते हुए जाना है। छोटे छोटे टांके लगाने हैं, ज़्यादा बड़े टांके नहीं लगाने हैं, वरना ये दिखाई देंगे। इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल सिलाई वाली लाइन एकदम से सीधी आई है। और अब हमें हाथ को सीलना है इसी तरह से, तो ये भी हमें सिलाई वाली साइड से ही सीलना है, क्योंकि उससे ना हमें सेंटर पता चल जाता है, जहां पर ये जो सिलाई लगी हुई है वहीं से स्टार्ट करनी है सिलाई, ताकि ये आड़ी तिरछी ना आए। और इसी तरह से हम दूसरे वाले हाथ को भी सील कर तैयार कर देंगे इधर वाली साइड। देखिए, थोड़ा सा गैप दिया हमने और दोनों हाथ सील कर हमने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद कान सीलने हैं, तो जो बीचों बीच है ना मुंह वाला पार्ट, उससे थोड़ा सा 1.5 इंच इधर की साइड और 1.5 इंच इधर की साइड, मतलब कि बीच में 3 इंच का गैप होना चाहिए दोनों कान के बीच में। और इसी तरह से दूसरे वाला कान भी हमने सील कर तैयार कर लिया है।
अब पैर वाली साइड है जो उधर सील लेंगे हम, ये भी हमें सिलाई वाली साइड से ही सीलना स्टार्ट करना है। इधर वाली साइड देखिए छोटे छोटे टांके लगाने हैं ताकि ये दिखाई नहीं दे, और धागा ना जैसे कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है उसी कलर का हमें धागा लेना है। जैसे मैं ब्लैक कलर का धागा ले रही हूँ ताकि ये दिखाई नहीं देगा, और थोड़ा सा कपड़ा हमें इधर वाली साइड से लेना है, थोड़ा सा कपड़ा इधर वाली साइड से, और इस तरह से दूसरा वाला पैर भी हमें सील कर तैयार कर लेना है। तो दोनों पैर सिल गए हैं ये। अब ये लिया हमने रेड कलर का कपड़ा और इसे एक बार कर लिया फोल्ड। अब इसमें से हमें ना दिल शेप कट करनी है, हार्ट शेप कट करनी है, या तो दो पीस कट कर सकते हैं और उसके बीच में ना फाइबर भर के फिर उसे हम सील सकते हैं इसके ऊपर, या फिर इस तरह से सिंगल पीस भी सील सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे कलर के ऊपर सिलाई लगानी है ना, वो मैंने पहले भी बताई थी, अब जैसे रेड कलर के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है तो धागा भी हम रेड कलर का लेंगे, और इसी के ऊपर हमें टांके लगाने हैं कपड़े के ऊपर, जो रेड कलर का कपड़ा है इसके ऊपर। थोड़ा सा ब्लैक कलर के कपड़े के अंदर से एक दो टांका लेते हुए ताकि ये ना धागा दिखाई नहीं दे ब्लैक कलर के ऊपर, और ये हमने इसे भी सील कर तैयार कर लिया। अब हमें इसकी नोज बनानी है, तो ये राउंड शेप में छोटा सा पीस लिया है और इसके किनारे किनारे हमें सुई धागे से सिलाई लगानी है, मतलब कि एक छोटी सी पोटली बनानी है, और उसके अंदर थोड़ी सी भर देंगे कॉटन या फाइबर, और फिर उसके बाद में दोनों साइड के धागे खींचेंगे और हल्की सी नॉट मार देंगे। लेकिन देखिए हमें बटन नहीं बनाना, बिल्कुल टाइट नहीं खींचना है धागे को, थोड़ा सा खुला रखना है इस तरह से, थोड़ा सा खुला रखना है और इधर नॉट मार के इसे हमें टाइट कर लेना और धागे को कट कर देना है। उसके बाद इसके बीचों बीच हम इधर सीलेंगे। थोड़ा सा कपड़ा लेना है रेड कलर का और थोड़ा सा लेना है ब्लैक कलर का, और बिल्कुल ना सिलाई हमें दिखानी नहीं है, ये अंदर ही आनी चाहिए सिलाई, इस तरह से सीलना है। ये देखिए छोटे छोटे टांके देने हैं ताकि ये दिखाई नहीं दे, और इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे से पीस हमें और कट करने हैं, जो मैंने बॉटल के कैप को रखकर कट किए हैं, और उन्हें हाथ वाली साइड सील देना है। और जैसे हमने ना इसके ऊपर जो दिल सीला है ना छोटे छोटे टांके देते हुए रेड कलर के कपड़े के ऊपर, इसी तरह से हमें दोनों पैर और दोनों हाथों के ऊपर भी कपड़ा सील देना है। अब इसके गले में रिबन बांध देंगे, नॉट मार देंगे, प्यारा सा फूल बन जाएगा। उसके बाद इसकी आंख लगाएंगे नोज के बिल्कुल ऊपर इधर की साइड, तो ये प्यारा सा टेडी बियर बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, तो क्यूट सा टेडी बियर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये वीडियो आपकी डिमांड पर बनाई है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।